हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चंद्र ग्रहण पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। एक महीने में तीन ग्रहण लगेंगे और देखिए, तीन के लिए कहा जाता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसे में मुझे लगता है आचार्य राजीव, एक महीने में तीन ग्रहण, क्या देश में कोरोना का संकट और बढ़ेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए रुमाना जी, ये मैं बताना चाहता हूँ, पहले देश के हमारे जो अखंड भारत की वारामहिर के टाइम में जो हॉरोस्कोप थी वो मकर लगन की थी। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, दो जोशियों को बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलवाया था, सूर्य नारायण व्यास और पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री सोलन वाले, जिनका पंचांग मैंने दिखाया था, उस दौरान वृषभ लगन की हॉरोस्कोप बनी थी। तो ये इस समय जो भारत की जो इस समय वर्तमान दशा चल रही है वो चंद्रमा में शनि में केतु की दशा चल रही है। चंद्रमा हमारे तीसरे घर का स्वामी है, तीसरा घर होता पड़ोस का, नेबरहुड का, तो भारत के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाले हैं पड़ोसी देशों के साथ में। दूसरा लगन से हम पूरब देखते हैं, चौथे घर से हम उत्तर दिशा देखते हैं, सातवें घर से पश्चिम दिशा आती है, दसवें घर से आपकी दक्षिण दिशा आती है। तो ये जो ग्रहण है अगला जो 21 जून को सूर्य ग्रहण आएगा, वो भी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, युद्ध जैसे हालात बिल्कुल तैयार हैं और होंगे ही। और साथ में चंद्रमा चूंकि जल तत्व की राशि है तो भयंकर इसी क्षेत्र में पूरब से लेकर उत्तर की दिशा में भयंकर बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा, और बाढ़ के वजह से ही बीमारी का, जिसमें पानी से जल के जरिए बनता है आपका वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां भी और महामारी बढ़ेगी। आचार्य राजीव और सचिन जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। सचिन, फिर बाद में आप मत कहिएगा कि ज्योतिषियों ने आगाह क्यों नहीं किया, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब जो पड़ोसी हमारे हैं उनके साथ संबंध खराब होंगे। मुझे लगता है सचिन जी को बताना चाहिए आकर देश को कि आखिरकार वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं। एक तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि साहब ये ज्योतिषी जो हैं वो पहले ही आगाह क्यों नहीं कर देते, और अब जब आगाह कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर बैठकर आचार्य राजीव कि आने वाले समय में ज्योतिष की गणना ये कह रही है कि भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होंगे, और वो तब कह रहे हैं ये बात जब चीन के साथ बॉर्डर पर भारत का तनाव लगातार बढ़ रहा है।